बच्चों, आज हम बायोलॉजी में सेल डिवीज़न के अंतर द मियोसिस डिवीज़न के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, पहली वाली क्लास में हमने माइटोसिस डिवीज़न के बारे में आपको बताया था और ये भी बताया था कि सेल डिवीज़न होते कितने टाइप्स हैं। ठीक है, तो आज हम मियोसिस डिवीज़न के बारे में नॉलेज करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, मियोसिस के बारे में पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मियोसिस डिवीज़न जो होता है वो जेनेटिक सेल में होता है, या रिप्रोडक्शन वाले सेल्स जो होते हैं, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें, ये उनके सेल टिश्यूज़ में ये डिवीज़न पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एक सेल से या एक मदर सेल से फोर डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और वो जो फोर डॉटर सेल होते हैं वो सब कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मदर सेल में 2NN या 2N कह सकते हैं, या डिप्लॉयड सेल होता है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं, तो वो डिवाइड करके सिंगल बोले तो हैप्लॉइड सेल कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे 2N है तो वो NN हो जाते हैं। ठीक हुआ है, 2NN। ठीक है, ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम आपको ये बताते हैं कि कैसे मियोसिस डिवीज़न में एक पेरेंट सेल से फोर डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है और वो कैसे हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है जिसमें देखिए कि पहला जो उसका जो सेल होता है ये है, जैसे ठीक क्रोमोसोम इसके कैसे हैं, 2N है। ठीक, वो क्रॉसिंग करने के बाद, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से इसमें क्या कहते हैं, हाफ आफ क्रोमोसोम बचते हैं, जैसे ये 1 1N। ठीक है, और फिर इनमें क्या होता है, माइटोसिस डिवीज़न होता है जिसके थ्रू वो सेम क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं और ये देखिए फोर न्यूक्लियस या फोर क्रोमोसोम या फोर सेल, ठीक है, का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे फर्स्ट मियोसिस कहते हैं डिवीज़न, जो पहला डिवीज़न होता है, और इसे सेकेंड मियोसिस डिवीज़न कहा जाता है। ठीक है, इस तरह एक पेरेंट सेल से फोर डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए, ये फेजेस हैं, हम आपको एक ड्रॉ के थ्रू आपको हमने फेजेस, मतलब इससे इजी होता है स्टडी करने में और समझाने में भी, फेजेस ऑफ मियोसिस डिवीज़न। देखिए पहले कौन कौन से फेज आते हैं। ठीक है, मियोसिस डिवीज़न जो होता है वो टू फेजेस में डिवाइड, पहले तो टू पार्ट्स में कह सकते हैं डिवाइड होते हैं। ठीक है, पहला तो होता है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। ठीक, ये देखिए फर्स्ट मियोसिस है और मियोसिस सेकेंड है। ठीक है, फर्स्ट मियोसिस जो होते हैं उसमें फोर स्टेज होते हैं, कौन सा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब पहले पहले मियोसिस के हैं, इसकी वजह से इनमें फॉस्फोरस लगा हुआ होता है। ठीक है, और जो मियोसिस सेकेंड होता है उनमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज सेकेंड लिखा हुआ होता है। ठीक, इसलिए उनको इस नाम से डिनोट भी करते हैं। देखिए, पहले तो हम इसमें पहले मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट देखते हैं, ये सबसे बड़ी क्या कह सकते हैं, जब डिवीज़न का टाइम चल रहा होता है तो ये सबसे बड़ी फेज कहलाती है। ये फोर पार्ट में, नहीं सॉरी, ये फाइव पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन, तो पहले हम आपको लैप्टोटीन के बारे में बताते हैं। लैप्टोटीन के अंतर जो होता है, सबसे पहले जो क्रोमोसोम होते हैं जो बहुत डेंस फॉर्म में होते हैं ना, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में पड़े रहते हैं, तो वो ओपन होते हैं, खुलते हैं। ठीक, और इसके बाद वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट भी जाते हैं। ठीक, फिर आता है आपका सेकंड जो होता है वो जाइगोटिन होता है। जाइगोटिन में क्या होता है कि उसमें क्या होते हैं, दो अलग अलग जो क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, इसमें मियोसिस डिवीज़न जो होता है वो एक पता ही है आपको, हमने बताया है कि ये जेनेटिक सेल में होता है, तो वहाँ पे क्या होते हैं कि दो अलग अलग क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जैसे मेल का और फीमेल का। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं कि वो दोनों क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपस में साथ साथ आते हैं। ठीक, उन क्रोमोसोम को होमोलोगस भी कहते हैं, क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक है, पैकेटिन में क्या होता है कि वो जो क्रोमोसोम होते हैं वो थ्रेड, मतलब वो दो पार्ट में खुलते हैं। ठीक है, जो सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं और दो पार्ट में खुल जाते हैं। डिप्लोटीन में क्या होता है, उनमें जो होता है वो क्रॉसिंग ओवर की कंडीशन इसी में ही होती है, इसमें दोनों जो पेयर वाले जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें से कुछ पार्ट जो होता है वो उनसे अटैच होता है, और जितना पार्ट अटैच होता है वो उससे कटकर उसमें जुड़ जाता है और दूसरे वाले पार्ट का
पहले जिसमें मतलब जिस तरह से कटता है वो क्रॉसिंग की तरह वो उसमें जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। और इस तरह क्या होता है, जीन चेंजमेंट भी इसी के ही थ्रू होता है, ठीक है। जो कैरेक्टर जो हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने होते हैं वो कैरेक्टर जो होता है वो इसी के थ्रू होता है, क्रॉसिंग ओवर के ही समय होता है। जो ये प्रोसेस जो होती है वो डिप्लोटिंग फेज में ही होती है, ठीक है। डाइकाइनेसिस जो है इसके अंदर ये होता है कि डिप्लोटीन के बाद की ये स्टेज होती है और ये प्रोफेज की लास्ट स्टेज होती है, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट की लास्ट स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, इनमें डिप्लोटीन के थ्रू जो होते हैं जीन जो होते हैं वो चेंजमेंट हो जाते हैं, जो क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अब्सेंट होने लगती है, न्यूक्लियोलस अब्सेंट होने लगता है और जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेंटर में आने लगते हैं, ठीक है, जिससे मेटाफेज फर्स्ट का या फर्स्ट की स्टेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए मेटाफेज क्या होता है, अब इसके बाद ठीक प्रोफेज यहाँ से कंप्लीट होता है, फिर मेटाफेज आता है। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेंटर में आते हैं, ठीक है, लाइन से लगे हुए होते हैं। फिर इसके बाद इसमें ऊपर जो पोलर रीजन का फॉर्मेशन होता है, ठीक, और एनिमल सेल में सेंट्रोमियर का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से इनमें अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर आते हैं, ठीक है। एनाफेज जो होता है, इसके बाद एनाफेज देखिए, एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि वो क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में अपने पोलर रीजन की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं और इनमें क्या कहते हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एल यू लाइक जैसे फॉर्म होने लगता है, ठीक है। और ये ऊपर आधे ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और आधे नीचे की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। टीलोफेज जो होता है, टीलोफेज फर्स्ट जो है वो लास्ट स्टेज होती है मियोसिस फर्स्ट की। इसमें क्या होते हैं, आधे क्रोमोसोम ऊपर पहुंच जाते हैं और आधे नीचे पहुंच जाते हैं, ठीक है, जिसके बाद फिर उसमें एक सेल मेम्ब्रेन वो सॉरी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक। इस तरह अभी क्या हुआ, एक न्यूक्लियस या एक मदर न्यूक्लियस से टू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया और फिर साइटोकाइनेसिस के थ्रू उसमें डिवीज़न भी हो जाता है, सेल का डिवीज़न हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे एक सेल से टू सेल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। अब इसके आगे जो होता है उसमें मियोसिस सेकंड की प्रोसेस इन दो न्यूक्लियर दो सेल में, ये जो सेकंड मियोसिस सेकंड की प्रोसेस होती है, ठीक है। अब इसमें जैसे माइटोसिस डिवीज़न जो हमने पहले आपको बताया था, माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू इसमें सेम वैसा ही डिवीज़न होता है इन दोनों सेल में। उसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले प्रोफेज सेकंड आएगा, फिर मेटाफेज सेकंड आएगा, एनाफेज सेकंड आएगा, टीलोफेज सेकंड आता है, ठीक है। प्रोफेज की स्टेज वो कम्प्लीट जब आती है तो उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अब्सेंट हो जाता है, न्यूक्लियोलस अब्सेंट हो जाता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है, और सेंट्रोमियर से अटैच होकर इधर उधर उसके जो थ्रेड होते हैं वो ओपन होने लगते हैं। फिर मेटाफेज आता है, मेटाफेज में क्या होते हैं कि ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेंट्रल पार्ट में आते हैं, ठीक है, पोलर रीजन का फॉर्मेशन होता है। फिर एनाफेज होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होते हैं और आधा जाने लगते हैं, ठीक है। लास्ट आता है आपका टीलोफेज स्टेज, टीलोफेज स्टेज जो होता है वो लास्ट स्टेज होती है जिसमें दो न्यूक्लियस से फोर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये आपको हमने पहली भी क्लास में बताया है, तो ये आपको डिटेलिंग हमने उसमें बता ही दी थी, तो इसलिए इसमें हमने जल्दी जल्दी आपको बता दिया, समझा दिया है, ठीक है। तो इस तरह क्या कहते हैं, एक मदर सेल से फोर न्यूक्लियस या फोर मदर सेल फोर डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये फोर डॉटर सेल जो होती हैं वो कैसी होती हैं, हैप्लॉइड सेल होती हैं, ओके। यहाँ पे देखिए डायग्राम के थ्रू आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिए, पहले सबसे पहले इंटरफेज स्टेज आती है, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया कि इंटरफेज स्टेज क्या होता है, ठीक है। उसमें सेल जो होता है डिवीजन करने से पहले अपने को प्रिपेयर करता है, ठीक है, एनर्जी और न्यूट्रिशन लेकर वो अपने को प्रिपेयर करता है। फिर इसमें आता है प्रोफेज फर्स्ट आता है, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट में फाइव स्टेजेस होती हैं जो इसमें कंप्लीट होती हैं, वो हमने आपको अभी डिटेल में बता ही दिया है। फिर मेटाफेज देखिए, मेटाफेज में ये सेंटर पार्ट में आ जाते हैं, एनाफेज जो होता है फिर अपने पोलर रीजन की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। टीलोफेज में ये दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं और साइटोकाइनेसिस होने के थ्रू होने से इनमें दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद और ये दोनों जो सेल के फॉर्मेशन जो होते हैं, ये दोनों कैसे सेल होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। इनमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो मदर सेल से हाफ हो जाते हैं। अब इन
इन दो सेल में माइटोसिस डिवीजन की तरह ही डिवीजन होता है, ठीक है। पहले प्रोफेज सेकेंड आएगा, मेटाफेज सेकेंड आएगा, एनाफेज सेकेंड आएगा एंड टेलोफेज सेकेंड आएगा, एंड द लास्ट में जो होते हैं वो फोर्थ सेल का फॉर्मेशन हो जाता है साइटोकाइनेसिस के थ्रू। इस प्रकार एक मदर सेल से इसमें फोर डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। ये जैसे आपको यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर में दिखाया है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये दो सेल का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है, जो मियोसिस फर्स्ट की कंडीशन से हो गया है, और इससे अब ये फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।